हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट नंबर वन पे। आज हम लोग जो है वो शिक्षा भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको शिक्षा भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मिलते रहता है। प्राइमरी शिक्षक, PGT शिक्षक, TGT शिक्षक और भी कई सब्जेक्ट पर शिक्षक भर्तियाँ आई है। यदि आपका सपना है शिक्षक बनने का तो आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। या जो शिक्षक भर्तियाँ या DPS में है, दिल्ली पब्लिक स्कूल में, जो कि प्राइमरी शिक्षक, TGT शिक्षक और PGT शिक्षक, ये स्थायी नौकरी है। अस्थायी शिक्षक सेल्फ डिफेंस, PRT, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और बैंड मास्टर, यह सभी पद अस्थायी रहेंगे। और इन भर्तियों में प्राइमरी शिक्षकों के पद स्थायी वाले भी हैं और अस्थायी वाले भी हैं। और इस भर्ती की नोटिफिकेशन अभी आर्टिकल में है, लेकिन 24 मार्च को यह भर्ती की नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। उसके बाद में आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि आपको किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करना है और फीस क्या है और इसमें पोस्ट है और किस सब्जेक्ट में आपको आवेदन करना है। तो सारी जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर प्राप्त कर सकेंगे। और यह जो शिक्षक भर्ती है या दिल्ली पब्लिक स्कूल जो कि दिल्ली में है, वहाँ से यह भर्ती प्रक्रिया और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट करें और वहाँ से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे 24 मार्च को। आप सब ऑफिशियल वेबसाइट को www.dpsmathura.org और यह नोटिफिकेशन इस वेबसाइट पर 7 दिन के लिए रहेगा और आप 24 मार्च से देख सकेंगे और इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। यदि आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप 2023 इस साल में अपने शिक्षक बनने के सपने को साकार कर सकते हैं, क्योंकि आगामी महीनों में शिक्षक भर्ती की नई राह अभी खुलने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू।